भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव ने शास्त्री नगर स्थित आवासीय कार्यालय में बुधवार को एक प्रेस वार्ता कर सांख्यिकी कार्यालय के जमीन अतिक्रमण पर चर्चा की। इस दौरान इन्होंने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि वर्ष 1952 एवं वर्ष 1959 में भारत सरकार को राज्य सरकार ने दो बार में भंडारीडीह और मकतपुर मौजा में कुल 38.71 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर भारतीय सांख्यिकी संस्थान को दिया था। ग्रिड में स्थित यह संस्थान केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण अंग और पूर्वोत्तर भारत का सबसे पुराना इकाई है, जहां कृषि से संबंधित सभी विषयों पर वैज्ञानिक पद्धति से शोध किया जाता है और कई विषयों की पढ़ाई के बाद डिग्रियां दी जाती है। इस जमीन के कुछ हिस्से को सुनियोजित तरीके से चार दीवारी को तोड़कर कब्जा कर लिया गया है, जो जांच का विषय है। इन लोगों ने कुछ जमीन बेचने हेतु भूदखल प्रमाण पत्र LPC बनाने के लिए अंचलाधिकारी को आवेदन भी दिया है। जिस तरह भू माफियाओं का सिंडिकेट अंचल कार्यालय के मिलीभगत से भारत सरकार के संस्थान की जमीन को हड़पना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि भू माफियाओं का जिला पदाधिकारी समेत सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि इतनी बड़ी हिम्मत बिना संरक्षण के संभव नहीं है। इस प्रेस वार्ता में गिरिडीह नगर के प्रथम महापौर सुनील पासवान, जिला सोशल मीडिया प्रभारी मनोज मौर्य, किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य ओम प्रकाश मंडल, जिला कार्य समिति सदस्य राजेश जायसवाल, रामबाबू साव, सुमित साव आदि लोग उपस्थित थे। देखिए, गिरिडीह समेत पूरे झारखंड में पूरे जमीन का लूट मचा हुआ है। उसी संदर्भ में अब तो यहाँ तक कि जो सरकार का जमीन है, जो सरकारी संस्था है, अभी गिरिडीह में एक भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, उस संस्थान को राज्य सरकार ने 1952 और 1959 में जमीन अधिग्रहण करके भारत सरकार को दिया, और उस जमीन को भी यहाँ के भू माफिया सफेदपोश और पदाधिकारी का सिंडिकेट मिलकर पूरा लूटने में लगी हुई। आज मेरा उपायुक्त महोदय से यही कहना था कि एक एस्थेटिकल की जमीन है और एक पचंबा कृषि फार्म की जमीन है और पचंबा बस डिपो की जमीन है, ये सब जमीन का उच्च स्तरीय जांच करके और भू माफिया से जमीन को बचाएं और भारत सरकार का जो धरोहर है ये एस्थेटिकल, इनको बचाएं। इसी मामले में आज हम प्रेस को बुलाए थे और जिस तरह से हमें लगता है कि झारखंड की सरकार जो आज है, जल जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार, हमें लगता है कि इसीलिए जल जंगल जमीन की ये बात करती थी कि जल जंगल जमीन सिर्फ मेरा है, मतलब जब हम सरकार में आएंगे तभी हम लूटेंगे, इसीलिए ये जंगल भी लूटवा रही है, जल भी लूटवा रही है और यहाँ की जमीनें भी लूट।